अबे छोटू के बच्चे, ये क्या फेक फक लगाया? चल जा, तेरा काम कर, चल जा। अबे छोटू के बच्चे, क्या फेक फक लगाया मैंने? अरे बाबा, मैंने इसमें मेरे 1500 रुपए रखा था, वो ढूंढ रहा मैं। ओह नो, इधर आ रे, इधर आ। क्या रे, कहाँ से आए तेरे पास 1500 रुपए? अरे बाबा, वो जूते लेने वाले जमा करा था 1500 रुपए। ओह माय गॉड, कान छोड़ेगी बच्ची, कहाँ चला यार? कान छोड़ेगा तो बोलूंगी, छोड़ ना। हाँ चल बोल। अरे वो कूलर के ऊपर बॉक्स है ना, उसमें से मुझे 1500 रुपए मिले थे, तो उसी 1500 से ना मैंने ये हार लिया था। ओह नो, कैसा है, अच्छा है ना? करी तमाशे, अब होंगे दोनों में झगड़े। सोनी की बच्ची, तेरे तो रुक। अरे अरे अरे, क्यों झगड़ा कर रहे रे? अरे रुकना है, क्या 1500 रुपए के वास्ते पोरी के पीछे पड़ गया रे? एक हार दिला नहीं सकता क्या उसको? ओह नो, अरे बाबा, वो मेरे से मांगती थी तो मैं देता नहीं था क्या? चुरा के ले ली उसने मेरे पैसे। अरे तो तेरी बहन है ना रे, वो अपनी जेब में हाथ डालने को चोरी थोड़ी बोलते है। अरे तुम भी उसकी तरफदारी करते बाबा। अरे वो है ना मेरी बहन, मेरी दुश्मन। अबे तो जैसे हुआ क्या बा? अबे मैंने जैसे तैसे 1500 रुपए जमा करा था ईद के जूते खरीदने के वास्ते, और वही पैसे जो उन्होंने उसको हार का सेट खरीद के लेके आ गई। मतलब छोटू के जूते के वादे, मैंने तो नए जूते लाया ईद के वास्ते, ये देख। अबे पूरे घर के सन्नाटे, अबे जरा जूते तो अच्छे कलर के लेता। क्यों रे बा? अबे समझ में नहीं आ रहा, तेरा मुंह कौन सा है और जूते कौन से हैं? और तूने क्या लाया रे बा? अबे बा, तेरे भैया ना ऐसा किरकोल चीज़ नहीं लाता। ओह नो, अबे बा, तेरे भाई ने गांव में के सबसे बड़े शोरूम से कपड़े लाया। शोरूम थोड़ा छोटा कर बा, ज्यादा बड़ा हो गया। कितने का लाया बा कपड़े? 100 रुपए में 3 ड्रेस। इम्पॉसिबल। तो सस्ते कपड़े? ए बा, एक आध ड्रेस पहन के बता ना बा, कैसे लाया कपड़े? अरे वीर, अभी पहन के बताता ना बा मैं, वैसे भी वहाँ मैंने पहन के ट्राई नहीं करा, क्योंकि पैकिंग वाले कपड़े है ना ये। अबे तो यार ट्राई कर लेना बा, हम भी देख लेंगे नए कपड़े में कैसा दिख रहा तू। हाँ, अभी पहन के बताता बा मैं। कैसा दिख रहा मैं? हाँ तो मस्त तो लग रहा है यार ये। जब आगे से इतना अच्छा दिख रहा, तो पीछे से कितना अच्छा दिख रहा मैं भाई। ए बा, एक बार घूम के बताना। कर लो तुम्हारे भी पूरे अरमान। चलो। गच्चू बड़ो मैं। मेरे को मालूम है तुम जलन से हंस रहे, 100 रुपए में 3 ड्रेस। अबे जलन से नहीं हंस रहे हम, इधर आ बा, इधर आ। क्या बोला बा? अबे साले लालची, पहले पीछे पलट के देख। चलो जब भी तुम्हें सोच रहा था पीछे से ठंडी ठंडी हवा कैसी लग रही। अबे बेटा, जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी सस्ती चीज महंगी पड़ती। चल जा, कपड़े बदल गया। अरे छोटू, ईद की तैयारी तो हो गई, ईद पे घर से पानी को भी तो पैसे लगेंगे ना, उसका जुगाड़ कैसे करेंगे बा? आ गया आइडिया, चलो लेट्स गो। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, दिए ना रे जवाब? अरे वो तुमने कल ही सलाम का जवाब दिया ना, ईद का दिए। अरे मेरे बाप, अरे कहीं मैंने ईद के दिन रोजा तो नहीं रख लिया रे? नहीं रे, 2 दिन बाकी है अभी ईद को, कह के ईदिया मांग रहे रे, चल। अरे ईदी नहीं दे रहे, कम से कम फटकार तो मत दो, चलो रे। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम। कल ही सलाम का जवाब दिए, ईदी उदी नहीं देंगे? अरे केको काशी ईदी देना, हमको जकात के इंतजार में खड़े रहे।
क्या कोई आएगा और हमको जकात देगा? अरे दो दिन पहले ईदिया जमा करता है क्या कोई? चल निकल। दादा अपने मन से बड़े में की दिख रही है। क्या चीज़ बहुत सुकून से बड़े तुम जाओ पटकते फिर उड़ा के नहीं देखे यार तेकू तो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था चीज़ा। तो ठीक है मतलब की बात कर। मतलब की बात ये है ईद के दिन तुम कितने बिजी रहेंगे है ना? हाँ ना बेटा, मेहमानों का आना जाना, ईद का मिलना झुलना, शिरकुरमा पिलाना पीना, बहुत बिजी रहेंगे बेटा। हेलो, इससे हम दो दिन पहले आ गए तुमसे ईदी लेने। दोला ईदी। ओह नो। आया रे, अब मुद्दे की बात पे आया। कब से उपगा रहा था ईद के दिन आना ईदी लेने। चलो। अरे चीचा गांव में सब लुक के लोग है, खाली अकेले तू ही दया वाले। हाँ वो तो मैं है। अरे ये बच्चे चीत कर रहे थे, चलो बोले चचा से ईदी लेंगे। चचा बच्चों का दिल कभी नहीं तोड़ते। हाँ सही बोले बच्चों ने, मैं बच्चों का दिल नहीं तोड़ता क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। ये लो तुम्हारी ईदी, ये ले बेटा ये ले। थैंक यू चीचा। अरे वाह, पूरे गांव में मैं दयावान। परवला काम आ गया वाह, पट पे सबकी लाइन हो गई, अब कुछ पैसे घर वाले दे देंगे, हो जाएगा अपना काम। चलो कल मिलते चल। ओ बाबा मेरे सभी दोस्तों ने ईद के कपड़े ले लिए, तुम मेरे को कब दिलाइए? अरे क्या तेल में पूरा छोड़ा लगा रहे तूने, लेंगे ना आराम से। नहीं अभी चलो। क्या जिद्दी पोरे है रे तू, मानेगा नहीं बुरी गत का। चल दिलाता तेरे को ईद के कपड़े, निस्ता दिमाग को तान देते रहता कुछ भी। अच्छा मजे के कपड़े है ना, एकदम धूम से ईद बनाना बेटा। हाँ हेलो, अरे हो जाएगा तुम्हारा काम। ए, क्या रे काम में बात कर रहे यार फोन पे। अरे फोन बाबा के ले ले लेते ना फोन। अरे दुनिया भर के पड़े रहना अपने फ्रिज में। अरे नहीं हो बाबा, मेरे को यही चला लेंगे। मानेगा नहीं ये। ए भाई दे दे रे इसको केले, ये ले 100 रुपए के देना। ओके केलो चले। अरे ईद मुबारक, अरे तुमको भी ईद मुबारक। ईद 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 मुबारक, ईद का अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ईद 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 मुबारक। अरे क्या छोटू ईद मुबारक। मुबारक ईद। अबे क्या बे छोटू, ईद के दिन में तूने जूने कपड़े पहना? Oh, no. इसके बाबा ने इसको ईद के नए कपड़े दिलाए नहीं होंगे, इससे इसको नए कपड़े नसीब नहीं हुए। अबे बंद करो रे ये लुक के चाले, अरे ईद पे तो नए कपड़े खरीदा करो कम से कम। Hey, hey. क्या रे छोटू के बच्चे, अरे लोग मजाक उड़ा रहे ना तेरा, मैंने तो नए कपड़े दिलाया था वो पहनना था ना, वो कहा है? अरे अंकल बहुत बड़ा लपड़े बाज है तुम्हारा बोरिया, तुमने जो ईद पे कपड़े दिलाए थे ना इसको, मेरे को लगता है वो भी बेच के रोकड़ा कर डाला होगा इसने। सही बोल रहा वो, बराबर पछाना उसने। बता किसको बेचा तूने कपड़े? अरे नहीं हो बाबा, किसको नहीं बेचा मैंने कपड़े। अरे तो कहाँ है नवे कपड़े? चलो बताता मैं तुमको। हाँ चल कहाँ है? अरे वो देखो ना बाबा। क्या रे बेटा? हा? मैंने तो को ईद के वास्ते इतने महंगे मोल के कपड़े दिलाया, तूने वो केले वाले पोरे को कब दे दिया? अरे बाबा अपन जब कपड़े लेके आ रहे थे ना, वहाँ पर रास्ते में तुमको फोन आया था। क्या हुआ भाई, इतना टेंशन में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भैया, कल ईद है और अभी तक मेरे बच्चे के कपड़े का बंदोबस्त तक नहीं हुआ। अरे ऊपर वाले
कोई मददगार भेज दे, या कम से कम मेरे केले बिक जाए तो मेरे बच्चे के कपड़े ईद के बन जाएंगे। फिकर मत करो, ऊपर वाला कोई ना कोई मददगार भेज देगा। क्या रे, काहे वो केले वाले? मेरे बाबा काम से गए, अब भी आएंगे, क्या हुआ? अबे सब केले खराब निकले, एक भी केला सही नहीं है, चलना मेरे पास वापिस। ये थैले किसने रख के गया बेटा? अब्बा एक गिराक ने केले वापिस दे के चले गया। परालों को सबकी फिक्र रहती बेटा। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने गरीब लोग हैं जिनको ईद के नए कपड़े तक के नसीब नहीं होते। हम हजारों रुपए अपनी ईद की खुशी के लिए साधो सामान खरीदने में लगा देते हैं। अगर हम उसमें से कुछ पैसे बचाकर ऐसे गरीबों की मदद कर दे तो इनके दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी और ये भी अपने साथ साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। और अब्बा यकीन मानो, इस बच्चे को खुश देख के जितनी खुशी मुझे आज मिली इतनी खुशी मेरे को कोई ईद पे नहीं हुई। शाबाश बेटा, अरे असली ईद तो तूने बनाया। बेटा अगर दुनिया में तेरे जैसे सब लोग सोचने लग गए तो एक भी गरीब बच्चा ईद की खुशियों से महरूम नहीं रहेगा। बस अब्बा ज्यादा इमोशनल मत हो, ना तो मेरे को भी रोना आ जाएगा। चलो ना अब्बा, मुझे ईद ही जमा कर रखा है। हाँ हाँ चल, लेट्स गो। अब्बा मेरे घर पे आज शिरकुरमा पीजिए, मेरे को मालूम है खाली आता आएगा नहीं दिल। मेरे घर पे आओ चिरकुरमा पीले। ओके दीदी, याद है ना? अरे ओ पलवन, मेरे घर पे आओ चिरकुरमा पीले दीदी। दादा मेरे को मालूम है इसने चिरकुरमे की दावत क्यों दी अपने को। आए अरे हमारे को भी मालूम है क्या उसने दावत क्यों दिया। अपन जाएंगे ना उसके घर पे चिरकुरमा पीने। लेट्स गो। अरे वहाँ छोटू, तेरे वहाँ आए नहीं क्या लोग सिर्क पॉपी ने? अरे आएंगे रे वहाँ, ये छोटू की बहुत इज्जत है। अस्सलाम वालेकुम। ये देख आ गए। ईद मुबारक। दादा पॉकेट भी ला रहे सबने। ईद मुबारक। अरे ईद मुबारक। और दादा वादे के बहुत पक्के हैं तू, बरोबर लिफाफे के साथ आए। हाँ फिर अबे आप देते हैं क्या घर को लेके जाते हो वापस? हाँ ले लो बा। ला रे ला रे तुम्हें। ये चेक करो रे, ला रे। क्या रे, ये लिपापा तो खाली है। ये लिपापा भी खाली है बा। अबे छोटू तूने बोला था बा खाली हाथ मत आना, इससे हमने खाली लिफाफे लेकर आए। ओह नो, चल सिरकुरमा मांगा। साले लोग के पुकार का सिरकुरमा पीने को आ गए। चली सिरकुरमा लाना। ये लो मैं सिरकुरमा ले आई ना। आ रख दे बा। ओके ये आ गया तुम्हारा सिरकुरमा। क्या रे छोटू? Oh no! इसमें का सिरकुरमा कहाँ है? अबे सिरकुरमे के लाची लोग, तुमने मेरे को खाली पॉकेट दिया ना, इससे मैंने भी खाली प्याले मंगाया। हाय गाइस, ईद मुबारक। दोस्तों अगर आपको छोटू का ये ईद वाला वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल छोटू की मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।